नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं बोकारो जिले के ललपनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टीटीपीएस प्लांट की ओर जाने वाले मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने शव के साथ जाम कर दिया। ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह शव को मुख्य सड़क पर रखते हुए लगभग 9 बजे से 4 बजे तक जाम रखा। इस दौरान टीटीपीएस प्लांट की ओर जाने वाले वाहन सड़क पर ही खड़े रहे। वहीं ग्रामीणों की टीटीपीएस प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता के पश्चात लगभग 7 घंटे बाद जाम को हटा लिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक नारायण प्रजापति टीटीपीएस के अधीन लुगुबुरु आदिवासी मोटर परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड में संविदा में संचालक के पद पर लगभग 20 वर्षों से कार्यरत थे। बताया गया कि नारायण प्रजापति की कार्य अवधि के दौरान तबियत बिगड़ गई थी। परिजनों ने आनंद फालन में इलाज हेतु अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 3 पुत्री सहित बूढ़ी माँ को छोड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि टीडीपीएस प्रबंधन को इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे मृतक के बच्चों का भरण पोषण हो सके। हम इसलिए क्यों किए कि मेरे चाचा नारायण प्रजापति जो टीवीएनएल में लुगुबुरु के ड्राइवर थे, उनका ड्राइवर के क्रम में ही उनका ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई। इसके कारण हमें उचित मुआवजा के कारण सड़क जाम के प्रबंध से बात हुई। प्रबंध बोलती है मैं इस विषय में अभी निर्णय नहीं ले सकता। तो ये सड़क जाम कब तक करेंगे? जब तक हम लोग को मुआवजा उचित मुआवजा नहीं मिल जाए तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम आपका? अनुज कुमार। आप लोग सड़क जाम क्यों किए हुए हैं? टीवीएनएल में जो गाड़ी चलती थी ना, उसमें कार्यरत था नारायण प्रजापति, जिसका ड्यूटी के दौरान में डेथ हो गया। अच्छा, तो उसी को मैंने 2-3 छोटा छोटा बच्ची है, बूढ़ी माँ है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसी का उचित मुआवजा हम लोग को चाहिए। तो मुआवजा की मांग को लेकर के आप लोग मुआवजा की मांग को लेकर हम लोग सड़क जाम किए। प्रबंधन से किसी तरह का कोई वार्ता हुई है? किसी तरह से वार्ता हुई तो प्रबंधन सीधे झाड़ रहा है कि हाँ ये ठेकेदार में था तो ठेकेदार इसका समझे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा झरी कुमार।